कौन सा है? ये वाला टू ग्रेटेस्ट है ना, तो ये वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ओके चलो अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग, असेंडिंग मैंने आपको बताया था ना, आपको असेंडिंग से याद रखना है अप, असेंडिंग अप। आप कैसे जाते हैं, पहले आप छोटे होते हो, फिर आप बड़े हो जाते हो, ऐसे ऐसे आप चले जाते हैं ना ऐसे। तो पहले स्मॉलर आएगा, फिर क्या होता जाएगा, बिगर बिगर होता जाएगा, ठीक है ना। पहले स्मॉलर आएगा, फिर बिगर बिगर होता जाएगा, यानी कि स्मॉलर, फिर उससे बिगर, फिर उससे बिगर, ठीक है। पहले आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे भी बड़ा लिखना है, ऐसे बड़े बड़े लिखते जाना है, ठीक है। असेंडिंग से याद रखना है आप। आप कैसे जाना, ऊपर जाना है। ऊपर कैसे जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे ना, जब आप नीचे हो तो छोटा है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वो बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो आपको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, और आपको आगे बड़े बड़े नंबर लिखते जाना है। ओके तो अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं इसको करना कैसे है। सेम आप पता क्या करोगे, देखो अभी हम लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप प्लेस वाली चार्ट बना लो, ठीक है। 1, 10, 100 और ये वाले नंबर्स लिखो, 96, 80, 103। अभी ये असेंडिंग है, मतलब अप, कम से ज्यादा की ओर जाना है आपको, स्मॉलेस्ट से बिगर की ओर जाना है। अभी स्मॉलेस्ट चूज करो, सबसे छोटा क्या है, इन दोनों में चेक करोगे ना। अभी देखो इसमें यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 वाला छोटा होगा ना, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। अभी आपने इसको लिख लिया, इसको काट दो, इसका काम हो गया। अब इससे बड़ा कौन है, अब ये दोनों बचे, स्मॉलर पहले आएगा। अब 80 से बड़ा कौन है, ये वाला 96, तो फिर ये 96 आ जाएगा। अब ये सबसे बड़ा है तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट ये करेंगे अब हम 115, 143 एंड 93। आपको स्मॉलेस्ट लिखना है, सबसे पहले तो ये टू डिजिट वाला स्मॉलेस्ट आ जाएगा, राइट। अब इससे बड़ा कौन है, अब ये दो है, ठीक है, पर हमें इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पहले लिखना है, आपको ये याद रखना है। आपको आगे आगे टू टू ऐसे मिलते जाएंगे, आपको सब उनमें से स्मॉलर लिखना है, जैसे 115 है एंड 143 है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉलर टू बिगर ना, पहले आपको स्मॉलर चूज करना है। तो देखो 100 प्लेस चेक करेंगे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, कुछ पता नहीं चल रहा। फिर 1 एंड 4 देखते हैं, 1 इज स्मॉलर, तो ये वाला नंबर हो जाएगा स्मॉलेस्ट, यानी कि पहले ये वाला आएगा। अब इसका काम खत्म, इसका भी हो चुका है, अब ये एक बचा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप का 136, 132 एंड 63। पहले आपको स्मॉलर लिखना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर आपका ये होता है, स्मॉलर से बिगर। पहले आप स्मॉलर देखो, ये तो 3 से डिजिट वाले हैं, इनको तो देखना ही नहीं है, इसमें 2 डिजिट्स हैं, पहले तो ये आ जाएगा 63। इसको काट दो इधर से, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ये हो चुका है। अब ये दोनों बचे हैं और इनमें हमें असेंडिंग ऑर्डर है, तो पहले स्मॉलर आएगा फिर बिगर आएगा ना, तो स्मॉलर कौन सा है, 100 प्लेस चेक करो पहले, यहाँ पे 1 1 है, सेम है, कुछ पता नहीं चल रहा। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे, वहाँ पे भी सेम सेम है, कुछ पता नहीं चल रहा। अब नेक्स्ट देखो 6 है एंड 2 है, 2 आपका स्मॉलर है ना 6 से, तो पहले ये आएगा, इसको काट दो और यहाँ पे लिख दो 132। अब ये दोनों तो कट चुके हैं, अब ये एक बचा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, डन। नेक्स्ट है आपका ये वाला 181, 149, 156, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, पहले हमें स्मॉलेस्ट लिखना है, सबसे छोटा वाला लिखेंगे। तो ये देखो 100 प्लेस पे तो सबके 1 1 है। अब नेक्स्ट 10 प्लेस चेक करते हैं, 8, 4, 5, सबसे छोटा क्या है,
फोर, यानी कि ये वाला नंबर पहले आ जाएगा। ठीक है, अभी टू नंबर्स बचे हैं आपके, ये वाले। अब देखो 8 और 5 में छोटा क्या है, 5, तो ये नंबर इधर आ जाएगा। अब एंड में क्या बचा, 181, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिनिश। नेक्स्ट, ये हो गए आपके दिस पार्ट। 739, 473, 545। अब हमें स्मॉलेस्ट लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखना है। तो आप 100 स्पेस चेक करो, 745, सबसे छोटा क्या है, 4, तो ये वाला नंबर पहले लिख दो, 473। अब 7 एंड 5 में स्मॉलर कौन है, 5, तो ये लिख दो। अब ये बचा है, इसको लिख दो, एंड वी आर डन। नेक्स्ट इज दिस वन, 375, 975, 775। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें स्मॉलेस्ट पहले लिखना है ना, तो आप 100 प्लेस चेक करो, यहाँ पे सब अलग अलग है, तो आपका यहीं से चेक हो जाएगा, 3 है, 9 है, 7 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, 375। अब इन दोनों में चेक करो कौन स्मॉलर है, ये 7, तो ये आ जाएगा। अब विच वन इज लेफ्ट, यही एक बचा है, तो पुट इट हियर, ये आपका असाइनिंग ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज योर, ये हमारा हो चुका है, अब हम ये करेंगे, 984, 222, 552। अभी आपको स्मॉलेस्ट लिखना है, तो आप 100 प्लेस चेक करो, यहाँ पे है 925, स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन है, 2, तो पहले ये आएगा, 222। अब नेक्स्ट आपके बचे हैं 9 और 5, और इनमें स्मॉलर कौन है, असेंडिंग ऑर्डर देखो, असेंडिंग ऑर्डर मतलब अप, असेंडिंग से याद रखना है, अप। अप कैसे जाते हैं, नीचे से ऊपर, नीचे हो तो स्मॉलर होगे, ऊपर जाओगे तो बिगर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्मॉलर आएगा। अब 9 और 5 में स्मॉलर कौन है, 5, तो पहले ये आएगा, 552। अब क्या बचा है आपके पास, 984, तो आप इसको यहाँ लिख दो, डन। ओके, नेक्स्ट दिस वन, 764, 468, 646, राइट। सो व्हाट टू डू नाउ, अभी फिर से हमको स्मॉलर चूज करना है, तो आप 100 प्लेस चेक करो, एक में 7, एक में 4, एक में 6 है, तो 4 वाले को चूज करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा पहले यहाँ पे, 468। अब 7 और 6 में स्मॉलर कौन है, 6, तो अभी ये आ जाएगा, तो अभी एक ही बचा है, 764, इसको लिख देंगे, राइट। सो नाउ वी हैव दिस वन, 777, 222, 333। तो आप 100 स्पेस चेक करो और स्मॉलेस्ट डिजिट चूज करो, वो है 2, तो ये नंबर सबसे पहले आ जाएगा। अब 3 और 7 में स्मॉलेस्ट कौन है, 3, तो ये आ जाएगा। अब कौन बचा है, ये वाला, तो फिर ये आ जाएगा, एंड वी आर डन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो अभी ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग से आपको याद रखना है डाउन। अब डाउन कैसे आते हैं, पहले